अजय देवगन की फिल्म तानाजी को टी सीरीज प्रोड्यूस करने वाले हैं। जी हाँ, इतिहास से जुड़ी इस कहानी के लिए भूषण कुमार ने अजय देवगन से हाथ मिला लिया है। फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं ओम राउत। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म की शूटिंग 25 सितंबर से शुरू कर दी जाएगी, जबकि फिल्म 2019 के अंत तक रिलीज हो सकती है। जल्द ही अजय देवगन इसकी आधिकारिक घोषणा करेंगे। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म में अजय देवगन के साथ काजोल और सैफ अली खान भी शामिल होंगे। जहां काजोल फिल्म में अजय देवगन की पत्नी के किरदार में होंगी, वहीं सैफ अली खान फिल्म के मुख्य विलन हो सकते हैं। ये अजय देवगन का ड्रीम प्रोजेक्ट है। खबर है कि अजय देवगन भी तानाजी बायोपिक को 3D में बनाने का प्लान कर रहे हैं। टोटल धमाल के बाद ये अजय देवगन की दूसरी 3D फिल्म होगी। वहीं टी सीरीज से जुड़ने से फाइनल है कि फिल्म का बजट भारी भरकम हो सकता है। तानाजी अजय देवगन की ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसे 150 करोड़ के भारी भरकम बजट पर तैयार किया जा रहा है। फिल्म के VFX पर काफी खर्चा किया जाने वाला है। अजय देवगन की अपनी VFX कंपनी इस फिल्म पर काम कर रही है। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म में सैफ अली खान मुख्य विलन होंगे। बता दें, इससे पहले सैफ अली खान और अजय देवगन विशाल भारद्वाज की फिल्म ओमकारा में साथ दिख चुके हैं। सूत्रों के अनुसार, चूंकि ये इतनी बिग बजट फिल्म है, अजय देवगन इस फिल्म को 2019 के दशहरा या दिवाली पर रिलीज करना चाहते हैं। ये फिल्म एक मराठा योद्धा तानाजी मालसुरे की बायोपिक होगी। तो दोस्तों, क्या आप अजय देवगन को तानाजी के रूप में देखने के लिए उत्साहित है? इस फिल्म के बारे में और अजय देवगन के बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बॉलीवुड से जुड़ी और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीवुड जंक्शन।